देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज। 2020 के दिल्ली दंगों के 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत, एलजी ने की मुकदमे की मंजूरी। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से हुई थी एक शख्स की मौत। बिहार के नवादा में 150 लोगों के धर्म परिवर्तन की कोशिश का आरोप, मौके से धार्मिक किताब बरामद हुई है। केरल आए लोगों पर लगा धर्मांतरण करवाने का आरोप। लखनऊ में आग का गोला बनी चलती हुई कार, डायल 112 मुख्यालय के पास चलती कार में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद ये आग बुझाई। चंद्रयान 3 ने भेजी चंद्रमा की पहली तस्वीर। चंद्रयान ने 5 अगस्त को किया था चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश। 23 अगस्त तक हो सकती है चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग। और अब 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं बाढ़ और बारिश से जुड़ी बड़ी खबरें। आज देश के कई राज्यों में बारिश संभव, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बारिश संभव। हिमाचल के शिमला में मगलाड भागवत रोड पर बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन से शिमला जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है। रोड पर मलबा हटाने में जुटा है प्रशासन। हरियाणा के अंबाला में जोरदार बारिश, बारिश के बाद शहर के कई इलाके जलमग्न, सड़कों पर भरा बारिश का पानी, लोगों को उठानी पड़ रही है काफी दिक्कत। यूपी के सीतापुर में तेज बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, जगह जगह जलभराव से लोगों को आवाजाही में परेशानी, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हुआ। उत्तराखंड के टिहरी में बंदाल नदी में 2 बच्चों समेत 14 पर्यटक फंस गए। जेसीबी की मदद से सभी को निकाला गया सुरक्षित। कुमालडा क्षेत्र में पन्ना रिसॉर्ट के पास का ये मामला है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर लगातार बारिश जारी, बारिश के बाद डैम से भी छोड़ा गया पानी। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ा, जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।